हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल फाइंडिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज, आज हम पहुंच चुके हैं द स्टेट म्यूज़ियम, जो कि भुवनेश्वर पे है। एंड आज हम जो है स्टेट म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलते हैं अंदर, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है स्टेट म्यूज़ियम पे, एंड देखते हैं हम लोग कि क्या क्या देखने के लिए मिलता है हमें। एंड लास्ट वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स था, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा है वीडियो। एंड हम देखते हैं, हर एक वीकेंड में ट्राई करते हैं आपको हर एक टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर कराने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं एंड देखते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलता है। एंड सबसे पहले यहाँ पे आर्कोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो, एंड इसके अंदर हम लोग अभी चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्कल्पचर्स रखे हुए हैं एंड बुद्ध देव का जो है यहाँ पे स्कल्पचर रखा हुआ है। बहुत ही पुराने स्कल्पचर से देख के लग रहा है। तो गाइस, यहाँ पे जो स्कल्पचर्स है ये बहुत ही पुराने स्कल्पचर्स है, इसको बनाया नहीं गया है। ये पुराने जमाने से जो स्कल्पचर्स है उनको स्टोर करके ये आर्कोलॉजी सेक्शन में रखा गया है। तो देख सकते हो बहुत ही एक पीसफुल एरिया है, एंड यहाँ पे आपको हर तरह के स्कल्पचर्स देखने के लिए मिलेंगे। हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री को जानते हैं, एंड आप लोगों को भी हमारे इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करता हूँ। गाइस, यहाँ पे विष्णु जी के मूर्ति को आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे बहुत सारे विष्णु जी के मूर्ति हैं दूसरे दूसरे अवतार में। गाइस, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही एक मिराज टाइप का, गुफा टाइप का बना हुआ है विथ मॉडर्न स्कल्पचर्स एंड बहुत ही एंशियंट स्कल्पचर्स के साथ आपको यहाँ पे दिखेंगे। हर टाइप के स्कल्पचर्स आप देख सकती हो, भगवान जी का या फिर पूर्वजों के जो स्कल्पचर्स हैं वो आप देख सकते हो। एंड मेरा फर्स्ट विजिट है उड़ीसा में, ये स्टेट म्यूज़ियम में, एंड मुझे जो पहला व्यू दिखा, इट्स सो अमेजिंग एंड सो पीसफुल कि एटलीस्ट तो एक बार आपको यहाँ आना बनता है। तो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं एपिग्राफी सेक्शन में एंड देखते हैं कि पुराने ज़माने में क्या क्या हमें जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है? संस्कृत लैंग्वेज। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो संस्कृत लैंग्वेज है यहाँ पे, एंड हमारे उड़िया में यहाँ पे नंबर्स एंड पता नहीं कितने पुराने लेटर्स हैं। ये 10th century, 9th century से, एंड द लेटेस्ट सेंचुरी आप ये देख सकते हो नंबर्स इन उड़िया, जो कि मुझे खुद नहीं आता है। मैं इस सेंचुरी उड़िया लैंग्वेज उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, एंड पुराने ज़माने का तो क्या ही पता होगा मेरे को। तो भी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हम लोग को और देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर्स
जो कि करंट सेंचुरी का लेटर्स है, ऊपर वाला आप देख सकते हो, एंड पुराने 10th सेंचुरी तक के जो भी लेटर्स हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग बर्ड वाले सेक्शंस में हैं, जो पुराने ज़माने के जो एंशिएंट बर्ड्स होते थे उनके जो है पुतले को यहाँ पे रखा गया है। तो बहुत सारे बर्ड्स हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है पुराने ज़माने के, जो कि अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं है, एंड कुछ कुछ अवेलेबल है उनके भी जो है यहाँ पर पुतले जो है रखे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बर्ड्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का नेशनल पार्क का एक मॉडल बताया गया है, एंड यहाँ पे स्टील जू, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्टील जू के अंदर आप सारे एनिमल्स के मॉडल्स देख सकते हो जो कि हमारे उड़ीसा में अवेलेबल होते हैं। तो एक अच्छा सा वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे मॉडल शोकेस किया गया है। तो गाइस यहाँ पे सारे एनिमल्स के मॉडल्स अवेलेबल हैं, एंड सारे एनिमल्स के मॉडल एंड उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक अच्छा यहाँ पे जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है एक वाइल्ड लाइफ को लेके, एंड हमें पता चल रहा है कि पुराने ज़माने में कुछ कुछ एनिमल्स होते थे जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो एक अच्छा यहाँ पर जो है मॉडल बनाया गया है। तो गाइस अभी हम लोग आर्ट एंड गैलरी सेक्शन में हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने जो है हमारे योद्धाओं के फोटोज एंड अपने गणेश जी इनके मूर्ति यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड बहुत सारे पुराने फेस्टिवल्स रिलेटेड जो है यहाँ पे आर्ट एंड गैलरी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे पुराने ज़माने के ब्रास प्लेट्स पॉट्स बहुत सारे चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो कि बहुत ही एंशियंट टाइम के हैं, एंड यहाँ पे आपको कोणार्क से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको आर्ट्स मिलेंगे, एंड बहुत सारे यहाँ पे पॉट्स भी देखो आप, यहाँ पे पॉट्स भी देखने के लिए आपको मिलेंगे, एंड बहुत सारे एंशियंट टाइम के गैलरीज हमें जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एंड मेरा फर्स्ट टाइम है जैसे कि मैंने मेंशन किया, एंड मुझे बहुत सारे यूनिक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। आई सजेस्ट डेफिनेटली एक बार तो यहाँ आना बनता है। Thank you.
तो गाइस यहाँ पे जो भी हमारे भगवान जी हैं उनके मूर्ति है, जगन्नाथ जी की मूर्ति है, एंड हमारे पुराने ज़माने में फेस्टिवल्स रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मूर्ति है, एंड बहुत ही एक यूनिक व्यू है एंड बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार आइए ज़रूर यहाँ पे एंड एक्सप्लोर कीजिए स्टेट म्यूज़ियम जो कि भुवनेश्वर पे है। तो गाइस यहाँ पे आप राजमहल का दरबार देख सकते हो, पूरा राजमहल का दरबार को यहाँ पे शोकेस किया गया है, इतने अच्छे तरीके से 3D वे में शोकेस किया है, आपको ऐसे लगने वाला है कि आप खुद राजमहल में हो अभी, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से राजमहल को शोकेस किया गया है। तो गाइस यहाँ पे पेंटिंग्स आर्ट्स जो है आप देख सकते हो भगवान जगन्नाथ जी की, एंड यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति भी है एंड भगवान जगन्नाथ जी की, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे आर्ट्स हैं, पेंटिंग्स है एंड बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग, बहुत ही बारीकी से बनाया गया है ये सब पेंटिंग्स, एंड बहुत ही एंशियंट टाइम की पेंटिंग्स है एंड बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उसको रिजर्व करके रखा गया है। एंड आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ हमारे यहाँ पॉट्स हैं जो कि हाथ से डिज़ाइन किए गए हैं एंड पेंटिंग्स भी उसमें किए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। एंड अभी आते हैं हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी एंड उनकी जो पोर्ट्रेट है यहाँ पे पेंटिंग किया गया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बारीकी से पेंटिंग जो है किया गया है एंड बहुत ही खूबसूरत से ये किया गया है एंड अच्छे तरीके से यहाँ पे शोकेस किया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड मैं जब इसको देख रहा था मैं पूरा चौंक गया, इतने बारीकी से इतने अच्छे अच्छे जो पोर्ट्रेट है बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो गाइस अभी हम लोग हैंडलूम एंड टेक्सटाइल एरिया के अंदर जा रहे हैं एंड इसके अंदर हाथ से बनाए गए एंड टेक्सटाइल के जो भी पुराने एंशियंट टाइम के कपड़े हैं उनको शोकेस किया गया है। एंड यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो साड़ी, गमछा एंड बहुत पुराने जो टेक्सटाइल हाथ से बनाते थे हैंडलूम से, तो वो सब यहाँ पे शोकेस किया गया है। हम देखते हैं एंड आपको भी बताते हैं क्या क्या हमें देखने के लिए। इस हमारे स्टेट्स के हर एक जगह का कल्चर का जो साड़ीज होते हैं उसको यहाँ पे बताया गया है, बालेश्वर, कटक, संबलपुर, बरमपुर, सारे यहाँ पे जो है हमारे एरियाज के जो भी कल्चर है हैंडलूम्स के वो बताया गया है। पुराने ज़माने के ऑर्नामेंट्स गैलरी है ये, एंड यहाँ पे आपको बहुत ज्वेलरी वगैरह देखने के लिए मिलेगा जो कि एंशियंट टाइम में सब पहना करते थे, एंड यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं द ऑर्नामेंट गैलरी। तो गाइस अभी हम लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी में है एंड यहाँ पे पुराने ज़माने के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पे अवेलेबल है, एंड
पुराने ज़माने में तो आपको पता है ढोलक तबला ये सब बहुत ज़्यादा फेमस था, एंड उस सारे गैलरी को यहाँ पे स्टोर करके शोकेस किया गया है, एंड सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि पुराने ज़माने में यूज़ होते हैं सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइस अभी हम लोग हैं मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी में, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो पुराने ज़माने में जो अपने हाथ से लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट वो सब यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हैंडमेड गैलरीज में जो आर्ट रखा जा रहा है, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इसको शोकेस कर रहे हैं, एंड पुराने ज़माने के जो भी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट रहते थे वो सब यहाँ पे हमें इस गैलरी पे देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्स जो कि पुराने ज़माने के जितने भी पोस्ट कार्ड के थ्रू हमारा लेटर्स जाता था वो सबको शोकेस किया गया है, एंड एक ओवरऑल सारे एंशिएंट टाइम के चीज़ को जो है शोकेस किया गया है इस स्टेट म्यूज़ियम पे। तो यहाँ पे ज़रूर आप लोग जो है एक बार विज़िट कीजिए, एंड आपको पुराने कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। तो गाइस अभी हम लोग हैं कलिंगा आर्ट गैलरी में, एंड यहाँ पे एक से एक खतरनाक आर्ट जो है आपको पेंटिंग्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको सारा पेंटिंग्स का एक शॉट दिखाता हूँ, बहुत ही खतरनाक पेंटिंग जो है यहाँ पे शोकेस किया गया है। तो गाइस ये है आर्कोलॉजी सेक्शन, एंड यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड पूरा हमने घूम लिया है द स्टेट म्यूज़ियम, एंड अभी हम लोग चलते हैं, एंड इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। तो गाइस अभी हम लोग हैं आर्मनी सेक्शन में, एंड यहाँ पे एंशिएंट टाइम के तलवार बंदूक बोम बाजी सब यहाँ पे आपको जो है स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा, एंड पुराने ज़माने के जो पिस्तौल होते थे बंदूक होते थे राइफल होते थे सब यहाँ पे जो है शोकेस किया गया है, एंड बॉम्ब के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो बालू
तोहफा के लिए यहाँ पे जो बॉम्ब्स है वो भी शोकेस किया गया है। तो एक ओवरऑल पुराने टाइम्स के फाइटिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब इस सेक्शन में जो है शोकेस किया गया है। तो गाइज ये था उड़ीसा में स्टेट म्यूजियम एंड आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, आर्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत कुछ हमने देखा एंड आपको भी दिखाया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है एंड ऐसे ही हर संडे आपको वीकेंड में एक अच्छा वीडियो हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।